वंदे मातरम बच्चों बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया है, प्रेजेंट हम कर चुके हैं, पास्ट हमने कंप्लीट किया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस शुरू करने से पहले हम उसकी पहचान देख लेते कि जैसे कि किसी वाक्य के अंत में गा गे गी ऐसा शब्द निकल के आता है कि वो वहाँ जाएगा, वो ये करेगा, वो वहाँ से आएगी, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, गा गे गी ये प्रत्यय अगर निकल के आते हैं तो वो जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का होगा। वॉइस में हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं अफिर्मेटिव से। अफिर्मेटिव में अगर स्ट्रक्चर हम देखें एक्टिव वॉइस का, तो देखिए कि सब्जेक्ट है। हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जितने भी हम टेंसेस कर रहे हैं वॉइस के, ठीक है, टेंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं उनमें भी, और अब वॉइस में एक एक टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उनमें भी, मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे माइनर चेंजेस होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह वही रहते हैं, ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब जो होती है उनमें कुछ बदलाव आते हैं। मेन वर्ब भी अपनी पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहती है और सब्जेक्ट के बाय रहते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। तो जो चेंजेस होते हैं उनको आपको समझना होता है। जैसे कि एक्टिव में यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमें विल भी या शैल भी वाक्य के अकॉर्डिंग लेना है। फिर आई और वी हुआ तो शैल भी आएगा और बाकी ही शी या फिर किसी का नाम हुआ तो विल भी आएगा, ठीक है। जैसे कि राजेश विल बी, रीना विल बी, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये विल बी जो दिया है इसका ये प्रत्यय निकल के आते हैं कि ये ऐसा होगा, वे जाएंगे, वहाँ से आएगी, लाइक दिस, ठीक है। इसके लिए और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अब तक इतने वीडियोस में हमने इतने सारे वॉइस किए, आपको पता है इतने सारे एग्जाम्पल की हर एक टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, फिर बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं पहला वाक्य, He will teach you English. सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे यू और इंग्लिश दोनों दिए हैं, तो आप ऐसा सोचोगे कि इंग्लिश का ऑब्जेक्ट बनाए या यू का ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों शब्द दिए हैं, दोनों को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। तो मैंने आपको एक वॉइस में ही एक लेक्चर में कहा था कि अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो आप किसे ऑब्जेक्ट चुनेंगे जो आपके मेन वर्ब के नज़दीक हो, उसी को आपको प्रायोरिटी देनी है, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे टीच के नज़दीक क्या है, यू, तो हम यू को ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया यू, ओके, यू विल बी टॉट English by he का यहाँ क्या होगा him, you will be taught English by him, okay। Ramesh will give you an opportunity, Ramesh तुम्हें एक मौका देगा, opportunity मतलब मौका, अवसर, ठीक है। तो यहाँ पे subject हमारा है, helping verb है, main verb है, again यहाँ पे you या an opportunity, तो आपको पता है कि यू क्योंकि ये मेन वर्ब के नजदीक है, तो मिल गया हमें यू, फिर क्या होगा, यू विल बी, ओके, यू विल बी, अब हमारी मेन वर्ब क्या है, गिव, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिव, गिव, गिवन, ठीक है। रमेश, ओके, हाँ, यू विल बी गिवन अन अपॉर्चुनिटी, ये शब्द हम यहाँ पे ले लेंगे ना, बाय किसके द्वारा, तो रमेश के द्वारा, क्लियर, ओके। अगला वाक्य देखते हैं, द टीचर विल टीच अस अ लेसन, टीचर हमें लेसन पढ़ाएंगे, अगेन यहाँ पे अस जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि टीच हमारी मेन वर्ब है, उसके नजदीक है, ठीक है। टीचर, द टीचर हमारे सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो अस यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए अस यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। यहाँ पे कर्म के तौर पर है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए और से, अब ये सब्जेक्ट के जगह अगर लेता है ये कर्ता बनता है तो आस्का होता है वी, ओके, क्या हो जाएगा, वी के साथ आपको पता है आई और वी के साथ क्या लगती है, शैल लगती है, यहाँ पे टीचर था इसलिए विल लगा था, यहाँ पे वी हो गया तो
शैल लगा, ठीक है। ये थोड़ा डार्क मेरे को इसलिए मेरे क्लियर है ना आपको कि यहाँ पे वेल था, यहाँ पे मैंने शाल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ द टीचर ये सब्जेक्ट था इसलिए उसके साथ वेल था, लेकिन यहाँ पे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया ना, तो वी के साथ हमेशा शैल आता है, ठीक है, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ वेल। तो क्या होगा, वी शैल, फिर हमें क्या लेना है, मेन वर्ब क्या है हमारी, वी शैल बी टीच, ठीक है, टीच का क्या होगा, टीच डॉट टॉप, वी शैल बी टॉट, फिर हम लेंगे अ लेसन बाय द टीचर, क्लियर, ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव की ओर, स्ट्रक्चर सेम है, बस हमने नॉट जोड़ दिया है, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे जो है बी विल शैल और बी, इन दोनों के बीच में नॉट आएगा, मतलब विल बी विल नॉट बी या शैल नॉट बी, क्लियर है, इतना सा फर्क याद रखना है, बाकी सेम है। पहला वाक्य, सुजन विल नॉट कम टू पिकनिक, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पिकनिक, पिकनिक विल नॉट बी, कम का कमी रहेगा क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म कम ही है, कम केम कम, ठीक है, पहली फॉर्म कम, दूसरी केम, तीसरी अगेन कम, बाय पिकनिक विल नॉट बी कम बाय सुजन, क्लियर, ओके। अगला देखते हैं, आई शैल नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव विल नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए यू और मनी, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, जो मेन वर्ब के नजदीक हो वही उसी को सब ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है, तो यू हमारी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ना, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट मिली हमें यू, यहाँ पे आई था इसलिए शैल लगा था, लेकिन यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट जो था यू है इसलिए यहाँ उसके साथ क्या लगा, विल, यू विल नॉट बी, विल नॉट बी मेन वर्ब क्या है, गिव, गिव गिव गिवन, विल बी नॉट, यू विल नॉट बी गिवन मनी, मनी बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इसलिए उसका आई है, लेकिन यहाँ पे आते वक्त जब वो ऑब्जेक्ट की जगह लेता है तो उसका हो जाएगा मी, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, कहाँ पे विल और कहाँ पे शैल, ये याद रखना है, आई और वी हुआ तो उसके साथ शैल लगती है, बाकी सबके साथ विल लगती है, क्लियर, ओके। ही विल नॉट टीच यू, अब मैंने पहले आपको बताया था आगे बहुत आगे कि आई थिंक टेंसेस में ही आपको क्लियर करवाया था कि कुछ ऐसे कंडीशन है जैसे कि धमकी देना, किसी का किसी बात के लिए डिटर्मिनेट होना, तो उन सब चीज़ों में भी किस तरह से इसमें चेंजेस आती है वो भी एक बार लिखिएगा। ही विल नॉट टीच यू, ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव विल नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल गया यू, उसके साथ लगेगा विल नॉट बी, टीच का होगा टॉट, बाय ही का होगा हिम, ठीक है, ही विल नॉट बी टॉट बाय हिम, आई थिंक आपको क्लियर विजन दिख रहा है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव में मैंने हर बार आपको कहा है बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह बदल लेते हैं और हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, उसी को पैसिव वर्ब करते वक्त विल शैल ऑब्जेक्ट फिर बी लेना है फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, क्लियर है, देखते हैं। शैल आई टेक द क्लास, क्या मैं क्लास ले सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आई है इसलिए आगे शैल आया है, लेकिन अब हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारी द क्लास है। अब यहाँ पे अगर द क्लास है तो हमें उसके अकॉर्डिंग आगे क्या लगाना है, विल लगाना है ना, उसके साथ विल आएगी, ठीक है। विल द क्लास बी मेन वर्ब क्या है, टेक, टेक का होगा टेकन, बाय आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, ओके। अगला, विल यू बाय अ कार, क्या आप कार खरीदोगे, ठीक है, तो यहाँ पे यू के साथ विल है, यहाँ पे अ कार अगेन फिर विल ही होगा, विल अ कार
बी मेन वर्ब क्या है हमारी बाय बाय का हो जाएगा बॉट बाय यू का यू ही रहता है पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको सिखाया था ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक हु का वाक्य ले लिया है डब्ल्यूएच में ठीक है। उसको किस तरह से करना है देख लेते हैं। वैन वाई वेयर उनके तो मैंने आपको बताया है उसी तरह से होता है बस इसके आगे जोड़ देना होता है। एक हु का सेंटेंस हम देख लेते हैं। हु विल एडवाइज यू उसको कौन एडवाइस करेगा उसको कौन सलाह देगा ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि जो हु वाला सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं बाय उसके साथ लगा देते हैं और उसको आगे ही लिखते हैं। तो ये कैसे होगा बाय हुम बाय हुम विल अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हिम हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा ही ठीक है क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर जगह बदलते ही उसका हिम का क्या होगा ही जैसे कि ही का हिम होता है तो हिम का ही हुआ। बाय हुम विल ही बी एडवाइज का क्या हो जाएगा एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म क्लियर क्वेश्चन मार्क ओके। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सारे जो वाक्य है अच्छे से समझिएगा। एक्सरसाइज के पास सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं उनको देख लेते हैं। पहला है द बॉयज विल कैच बर्ड्स के बच्चों जो बॉयज है वो बर्ड्स को कैच करेंगे। मोहित विल मीट यू एट द स्टेशन मोहित तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। गगन विल नॉट लर्न फ्रेंच गगन फ्रेंच नहीं सीखेगा दो अफर्मेटिव के ये नेगेटिव का है। रैया विल नॉट डांस ऑन द स्टेज रैया स्टेज पर डांस नहीं करेगी ये भी नेगेटिव का है। और पांचवा शैल आई ओपन द बुक क्या मैं किताब खोल सकती हूँ या खोल सकता हूँ ये इंटरप्रेटिव का है ठीक है। तो ये पांच सेंटेंस कंप्लीट करिए और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक वंदे मातरम। ओके बच्चों थोड़ा सा विजन लाइट है इसलिए मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कई 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 बार ऐसे हो जाता है कि पेन थोड़ी ज़्यादा खुली रह जाती है ना तो लाइट चलने लग जाती है। मैं चेक कर लेती हूँ और कहीं पर अगर लाइट हुआ तो फिर ओके आई थिंक आपको अभी एकदम क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा विज़न कम हो गया था लिखा सही था पर यहाँ पे विज़न थोड़ा कम सेट हुआ था।
ओके नाउ इट इज़ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वंदे मातरम।